सभी निरसन चीजों को पढ़ाई के कीमत पर नहीं आगे करने की यही चुनौती है आपके साथ। बिना हमारी पढ़ाई या पाठ्यक्रम का जो प्रगति होती है या शिक्षक जो शिक्षा दान करते हैं, बिना उसको प्रभावित किए इन सब योजनाओं का कार्यक्रम क्रियान्वयन करना यही आपके सामने चुनौती है। क्योंकि अगर हमारे शिक्षक अलग इन्हीं सब योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तो केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनसे मिला था तो मैंने उनसे निवेदन किया और वो भी इस बार शामिल किया है कि इसका क्रियान्वयन जो स्वयंसेवी संस्था है, स्वयं सहायता समूह है, ये लोगों के माध्यम से करने का। क्योंकि इसी का दूसरा मतलब होता है कि हमारे शिक्षक कितने बाहर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें स्वयंसेवी संस्थाएं या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होता है तो लोगों ने भारत सरकार ने इस बार ये सोचा है कि हम लोग इनको इस काम में उन लोगों को भी शामिल करें। और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है और हमें अच्छा भी लग रहा है कि इन सब चीजों में भी हमारा प्रदेश, हमारा विभाग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने इन कार्यों को पहले से ही शुरू करके रखा। आप सबने देखा होगा जो चीजें आप ही लोग लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने पटना जिला में लगभग 450 स्कूलों में स्कॉल और अक्षय पात्रा को दिया है चलाने के लिए। इसी तरीके से हमने हम लोगों ने जीविका समूह है उनका भी हम लोगों ने मुजफ्फरपुर और जहानाबाद जिले में प्रयोग के तौर पर हम लोग उनके माध्यम से भी खड़ा रहे। बाकी कम्युनिटी किचन सेंटर के माध्यम से हम लोग दूसरे एनजीओ को भी काम करने का मौका दे रहे हैं। तो जो चीजें अब सोची जा रही है हम लोग उस सिलसिले में उस दिशा में भी हम लोगों ने पहले से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन देखना यही कि भाई सब कुछ इनके सही क्रियान्वयन के साथ हमारा मौलिक दायित्व भी उतने ही कारगर तरीके से चलता रहे। और आप सब लोग हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जिन चीजों पर जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग फिर बैठे और लंबी चर्चा करें। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता वो है कि भाई आप सभी निरीक्षक पदाधिकारी, लेकिन विद्यालयों का निरीक्षण करना हम लोगों ने छोड़ दिया। हमको तो याद है अपने बचपन उस समय आज तो आप लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ डीओ कराते हैं। उस समय तो एक डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होते थे प्रखंड में या प्रमंडल में, तो भी हमको ठीक से याद नहीं। एक आदमी हमको याद है प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तो वो साइकिल से चलते, लेकिन जिस दिशा में उनकी साइकिल निकल जाती उस पूरे इलाके में शोर हो जाता था कि आज डिप्टी साहब इंस्पेक्शन में आ रहे, आज इंस्पेक्शन ही बंद हो। आपका दायित्व ऑफिस में बैठ के तो जितना काम करने का, हम समझते हैं कि उनके लिए तो आपके पूरे सप्ताह भर का 2 से 3 दिन का, बाकी समय अगर निरीक्षण में जो हमारे मध्यान्ह भोजन के भी डीपीओ, अगर मध्यान्ह भोजन देखने भी जाएंगे तो पढ़ाई होती है, तो वो खाना देख रहे हैं तो पढ़ाई होती है कि नहीं होती है वो भी देख सकते हैं। हमारे शिक्षक पूरे समय तक विद्यालय में रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये भी देख सकते हैं। और ये जान लो कि शिक्षा विभाग की उपलब्धि या हमारा आपका चेहरा सही तभी माना जाएगा जब हमारे दूरस्थ इलाके में अवस्थित विद्यालयों में भी पूरे समय तक पढ़ाई होगी, हमारे शिक्षक अपना 100% देख के अध्यापन कार्य करेंगे, उसी से जनता की नजर में हमारा और आपका चेहरा सही होगा। और ये तभी होगा जब आप भी पारदर्शी तरीके से काम करें।
और मुझे कोई शक नहीं कि इतना आप सब में सलाहियत है, हुनर है, सक्षम भी है आप, कि आप चाहिए तो हफ्ते दिन से एक महीना के अंदर सभी गांव देहात के स्कूलों विद्यालयों में जो पढ़ाई अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है उसमें सुधार तुरंत आप दिखा दे सकते हैं। तो भाई हम तो वही आशा रखते हैं और अगले दिन जब हम बैठने वाले हम इसी सिलसिले में आपसे समझने वाले जो आखिर हम निरीक्षण क्यों नहीं करते और निरीक्षण का मकसद क्या है। हमेशा याद रहे कि निरीक्षण का मकसद सिर्फ सजा देना या दंड देना नहीं होता है। अगर व्यवस्था में प्रक्रिया में प्रणाली में सुधार नहीं होता तब तो फिर वो बेमानी हो। और हमेशा हमने कहा है कि आप इंस्पेक्टर मैंने इंस्पेक्ट करिए जो शिक्षक अनुपस्थित है बिना छुट्टी के उनसे तो पॉइंट करिए। पहली बार अगर उचित समझते हैं तो एक मौका दे दीजिए लेकिन वो मौका तब तक उनका स्थगित रखिए जब तक अगले निरीक्षण में वो सही नहीं है। अगले निरीक्षण में सही नहीं करते हैं आपको लगता है कि उनके आचरण में सुधार हुआ है उनको फ्री कर दी नहीं कहीं लगे कि ये लगातार मतलब बिल्कुल डिफॉल्टर है जान उसके करता है तो वैसे लोगों को सख्त सजा देने से भी नहीं परहेज करिए। और अगर आप अपना बोला फाइली सही करें अपने को पारदर्शी बना रखिए आपने ये काम शुरू कर दिया तो समझिए शिक्षा विभाग का चेहरा इसकी छवि इसका लोगों में सम्मान यही सब कि हमको आपको बिहार के लोग सही समझें और सही समझें उसके लिए तो सही काम करना पड़ता है। भाई शिक्षकों को आपके ऑफिस का चैप्टर क्यों लगाना पड़ेगा आपको तो बताइए। शिक्षकों का भी जो हक बनता है किसी का प्रमोशन है किसी का पे फिक्सेशन है किसी का कुछ है उसके लिए उसको ऑफिस आपके दफ्तरों के चैप्टर लगाने की क्या जरूरत है। ये चीज आप प्रोएक्टिवली उस तक क्यों नहीं पहुंचा रही और जिस दिन से शिक्षकों की समस्याओं को आपने आगे बढ़कर दूर करना शुरू कर दिया उसी दिन से समझिए कि आपके पीछे भी अभी तो आपके ऑफिस के चक्कर लगाते हैं उसके बाद से शिक्षक विद्यालय और हमारे छात्रों के चक्कर लगाएंगे और वही आपके विभाग के लिए सबसे अच्छा दिन होगा और वही हमारे भाई आप शिक्षकों को जैसे हम आपको कर रहे हैं